अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड दी सोशल साइंसेस रिटन बाय फ्रैंक एस बेडनिक की बुक का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स बीबीए और एमबीए में पढ़ाई जाती है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहला जो हमारे काम का है वो है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस और ब्रैकेट में खुद से मैंने लिखा है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा भी करेंगे लेकिन नॉर्मली टू वेरिएबल्स की बात होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हो, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी जीरो एट सेम टाइम। से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है और कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास 10 है। अब a 0 हो सकता है, दैट मीन्स 5 की जगह पर 0 इसका कोफिशियंट हो सकता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ इक्वेशन होगी 3y इज इक्वल टू 10। अब भी ये लीनियर इक्वेशन है जो कि हम चैप्टर 1 की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि y की पावर 1 है। इसी तरह अगर y का कोफिशियंट 0 हो जाए तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो ये भी एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगी। लेकिन एक वक्त में दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों 0 होंगे तो वो 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 10, तो ये 0 इज इक्वल टू 10 बनेगा, जो कि इक्वल नहीं होता। तो इसीलिए लिखा गया है बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 या ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी की फॉर्म हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब इसमें हमें 2.1 में सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस लीनियर हैं और कौन कौन सी नॉन लीनियर हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वाई की पावर 1 है। क्वेश्चन 2 की बात करें तो ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 1, y की पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। इक्वेशन 3 भी लीनियर है। इक्वेशन 4 लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जो कि इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह इक्वेशन 5 भी लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें x और y इनकी डिग्री 1 एंड 1, 1 प्लस 1 2 होता है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर हम किसी और इक्वेशन की जिक्र करें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें भी हम कहेंगे ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें ये दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर वन, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 पर गौर करें, इसमें बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि एक्स पर स्क्वायर है, वाई पर स्क्वायर है और एक्स और वाई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 डिग्री इक्वेशन है, ये स्क्वायर रूट आखिर तक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन ना हुई। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आप गौर करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अभी भी मौजूद है, इज इक्वल टू 25। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं x और y की पावर 1 है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है, कुछ क्वेश्चंस बीच में स्किप किए गए हैं क्योंकि 18 के बाद आप देख रहे हैं 23 शुरू हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जांपल से या फिर डिफरेंट जो बुक में डेटा दिया होता है वहाँ से डेटा लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए उन क्वेश्चंस को हम स्किप कर रहे हैं। लेकिन आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको पिछले क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे जो हमने स्किप किए हैं। तो क्वेश्चन 23 है, द इक्वेशन x3 इज इक्वल टू 20 इज़ वन ऑफ द रिलेशन इक्वेशन रिलेटेड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फोर वेरिएबल्स x1, x2, x3 एंड x4। तो इससे मुराद ये है कि चार वेरिएबल्स हैं और उसमें x3 इज इक्वल टू 20 एक इक्वेशन है। तो चार वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब x1, x2, x3 एंड x4, ये चार वेरिएबल्स ज़रूर यूज़ हुए होंगे, इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट होगा। और क्योंकि x3 इज़ इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी, इसका कोफिशिएंट भी 0 है, इसका कोफिशिएंट भी 0 है और इसका कोफिशिएंट भी 0 है, तो एक्चुअल इक्वेशन ये होगी। x3 का कोफिशिएंट 1 है। तो अब आप खुद देखें, अगर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 0 जब x1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 x2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 x4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ x3 इज़ इक्वल टू 20 आंसर आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन को जब हमने समझ लिया तो आगे इसने कहा कि व्हाट वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन
व्हेन एक्स वन इज़ फोर, एक्स टू इज़ टू, एक्स फोर इज़ 15, तो इसके मुराद ये है कि इसने सारी वैल्यूज़ पूछी हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर सबकी वैल्यूज़ पूछी हैं. तीन वैल्यूज़ गिवन है, एक्स वन, एक्स टू और एक्स फोर की. एक्स थ्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम इस इक्वेशन में एक्स वन की जगह फोर सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स टू की जगह पर टू सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स थ्री हमें नहीं मालूम, और एक्स फोर की जगह पर 15 पुट करेंगे इज इक्वल टू 20. जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारे ज़ीरोज कैंसिल हो जाएंगे, एक्स थ्री इज इक्वल टू 20 आंसर आएगा. दैट मीन्स जब एक्स वन की वैल्यू 4 है, एक्स टू की वैल्यू 2 है, तो एक्स थ्री की वैल्यू 20 और एक्स फोर की वैल्यू 15 आएगी. ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेगा हमारी इस इक्वेशन को. पार्ट बी की तरफ जाते हैं. पार्ट बी में हमारे पास है व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन एक्स थ्री इज इक्वल टू 10. अगर हम इस इक्वेशन में एक्स थ्री इज इक्वल टू 10 सब्सटीट्यूट करें तो 0x1 प्लस 0x2 प्लस एक्स थ्री की जगह पर 10 सब्सटीट्यूट करें प्लस 0x4 इज इक्वल टू 20. तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा, जो कि इक्वल नहीं होता है. तो हम कहेंगे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, यानी x इज इक्वल टू 3 पर, एक्स थ्री इज इक्वल टू 10 पर कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी. पार्ट सी में कहा गया डिटर्मिन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट फॉर विच द वैल्यूज ऑफ थ्री वेरिएबल्स इक्वल टू 0. दैट मीन्स के हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हो. तो इसमें अगर x जो बाकी वेरिएबल्स हैं जैसे x1, x2 एंड x4, इसे हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, मींस 0x1 की जगह पर 0 प्लस 0x2 की जगह पर 0 एंड प्लस x3 हमें फाइंड आउट करना है एंड 0x4 की जगह पर भी 0 इज इक्वल टू 20. तो x3 इज इक्वल टू 20 आंसर आया. दैट मींस जब ये भी 0 हो, x2 भी 0 हो, x3 20 होगा और x4 0 होगा. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो चुका. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोडक्ट मिक्स. अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी. ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स एंड ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 5 लेबर आवर्स. तो हम यहाँ इसका डेटा बना लेते हैं. प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है. इसके लिए जो आवर्स यूज़ हो रहे हैं पर यूनिट, इसे हम 3 आवर्स कह रहे हैं और इसे 5 आवर्स कह रहे हैं. डेली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज़ 150 लेबर आवर्स. मींस हमारे पास टोटल लेबर आवर्स जो अवेलेबल हैं वो 150 लेबर आवर्स हैं. इफ़ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, तो यूनिट्स के नाम यहाँ लिख देते हैं, वो आवर्स थे, यहाँ पर यूनिट्स लिखते हैं. इफ़ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड वाई यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर मैन्युफैक्चर्ड ईच डे and all labor hours are to be used, determine the linear equation that requires the use of 150 labor hours per day. अब देखें, आप गौर से इसे समझने की कोशिश करते हैं. अगर मुझे यूनिट जो ए के यूनिट हैं एक्स यूनिट्स हैं, सपोज़ एक्स की जगह पर हम सपोज़ करते हैं 2 यूनिट्स बनेंगे, तो एक यूनिट बनाने पर अगर 3 आवर्स लगते हैं तो 2 यूनिट बनाने पर 3 × 2 यानी कि 6 आवर्स लगेंगे. 3 यूनिट बनाने पर 3 × 3 यानी कि 9 आवर्स लगेंगे. तो मींस हमें अगर टोटल आवर्स सिर्फ ए के फाइंड आउट करने हैं तो उसके आवर्स को, मींस 3 को, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर मैं 3 और एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर मैं यूनिट्स बताऊँगा, तो मुझे टोटल आवर्स मालूम हो जाएंगे. सपोज़ अगर मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी और 10 × 3 = 30. मींस 30 आवर्स चाहिए होंगे अगर आपको 10 यूनिट ए के प्रोड्यूस करने. इसी तरह बी के लिए भी यही रूल होगा, 5y, और इसके आवर्स मींस प्रोडक्ट ए के आवर्स और प्रोडक्ट बी के आवर्स कुल मिलाकर 150 होने चाहिए. तो ये पार्ट ए का आंसर आ चुका है. यहाँ पर एक्स और वाई से मुराद ए और बी के यूनिट्स हैं. पार्ट बी में कहा गया हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कैन बी मेड ईच डे इफ 25 यूनिट्स ऑफ बी आर मैन्युफैक्चर्ड ईच डे. मींस बी की जो क्वांटिटी है, बी की क्वांटिटी को हमने वाई कहा था, तो यहाँ पर हम 25 सब्सटीट्यूट करेंगे वाई की जगह पर और लेबर आवर्स 150 के इक्वली होंगे. और एक्स हमें फाइंड आउट करना है कि ए के कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं. तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा. दोनों इक्वेशन की दोनों साइड से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 25. एक्स इज इक्वल टू 25/3. x इज इक्वल टू 8.333. तो हम कह रहे हैं कि तकरीबन 8 यूनिट्स बनाए जा सकते हैं. 8 से ज़्यादा 9 यूनिट्स नहीं बना सकते, क्योंकि 9 यूनिट्स बनाएंगे तो वो 27 आवर्स यूज़ हो जाएंगे.
क्योंकि एक यूनिट में 3 आवर्स लगते हैं, 3 9s are 27, तो हम 8 बना सकते हैं, 24 आवर्स, एक आवर हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा, मीन्स 150 के बजाय 149 आवर्स यूज़ हो जाएंगे अगर हम 25 यूनिट्स ऑफ बी और 8 यूनिट्स ऑफ ए बनाते हैं। पार्ट सी की तरफ आते हैं, ये पार्ट बी का आंसर था। पार्ट सी में कहा गया, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ए कैन बी मेड ईच वीक इफ़ 12 यूनिट्स ऑफ बी आर मैनुफैक्चर्ड ईच डे। पहले हम डेली कैपेसिटी निकालते हैं, और फाइव डे का वर्किंग वीक है तो हम उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे वीक की कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ कहा गया 12 यूनिट्स बी के बनाने हैं, जैसे पार्ट ए में 25 यूनिट्स बी के बनाने थे, इसी तरह 12 यूनिट्स बी के बनाने। तो मालूम करते हैं कि ए के कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। वाई को 12 से रिप्लेस करेंगे, इज़ इक्वल टू 150। 3x 12 टाइम्स 5 इज 60, इज़ इक्वल टू 150। 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 30। मीन्स a के 30 यूनिट्स डेली बनाए जा सकते हैं। अब क्योंकि हमारा 5 डे का वर्किंग वीक है, तो एक डे के अगर 30 यूनिट्स हैं, उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वीक की कैपेसिटी आ जाएगी 150 यूनिट्स ईच वीक। यानी वी कैन प्रोड्यूस 150 यूनिट्स ऑफ ए ईच वीक। क्वेश्चन 25 की तरफ आते हैं, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक डाइटिशियन है, इज कंसीडरिंग 3 फूड टाइप्स टू बी सर्व्ड एट अ मील। तो 3 फूड टाइप्स हैं, तो हम इसे फूड 1, फूड 2 एंड फूड 3 कह देते हैं। शी इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ 1 विटामिन प्रोवाइडेड एट दिस मील। 1 ounce ऑफ फूड 1 प्रोवाइड्स 8 milligrams ऑफ द विटामिन। फूड 1 का 1 ounce, यानी यहाँ पर आउंस हम कैपेसिटी लिख रहे हैं कि 1 ounce में कितने विटामिन हैं, तो 8 milligrams विटामिन होंगे 1 ounce में फूड 1 में। एंड 1 ounce ऑफ फूड 2 प्रोवाइड्स 24 milligrams, तो यहाँ 24 milligrams ऑफ विटामिन आ रहा है। एंड फूड 3 प्रोवाइड करता है 16 milligrams। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन इज 120 milligrams। तो इफ एक्स जे इक्वल्स नंबर ऑफ आउंसेस ऑफ फूड टाइप जे, यहाँ पर से मुराद ये है कि अगर जे को मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये टाइप 1 हो जाएगी, फूड टाइप 1। एक्स 2 कहूँगा तो जे 2 से रिप्लेस हो जाएगा, एक्स 3 कहूँगा तो 3 से रिप्लेस होगा। इसका आसान मतलब ये है कि एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3 का मतलब आउंसेस ऑफ फूड टाइप 1, फूड टाइप 2 एंड फूड टाइप 3 होगा। तो हम इसके आउंसेस जो हम यूज़ कर रहे होंगे उसे हम x1, x2 एंड x3 के नाम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अब हमें इसकी एक इक्वेशन बनानी है, 1 ounce से 8 milligrams मिलता है, तो x1 ounce से 8 into x1 ounce milligram विटामिन हमें फाइंड आउट होंगे। जैसे कि हमने पीछे किया था, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाती है। इसी तरह अगर फूड 2 के 1 ounce में 24 milligrams विटामिन है, तो उसे x2 ounces से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैपेसिटी जो x2 ounces में मिलीग्राम्स है विटामिन की, वो फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह 16 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल विटामिन कैपेसिटी, फूड 2 की विटामिन कैपेसिटी, फूड 3 की विटामिन कैपेसिटी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 120 मिलीग्राम्स होनी चाहिए। और ये हमारे पार्ट ए का आंसर आ चुका है। फिर पार्ट बी में कहा गया, इफ़ ओनली 1 of the 3 फूड टाइप इज़ टू बी इंक्लूडेड, मीन्स हमें सिर्फ एक ही इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ फूड 1 इंक्लूड करना चाहते हैं, तो फूड 1 इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसका मतलब फूड 2 एंड 3 हम बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनका वेट 0 हो जाएगा, 0 ounces यूज़ हो रहे हैं, इज इक्वल टू 120। 0 से कोई भी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है 0 रहता है, तो एक्स 8x1 इज इक्वल टू 120। तो x1 इज इक्वल टू 120 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, x1 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 8 इज 15। तो इसका मतलब अगर सिर्फ फूड 1 आप इस्तेमाल करते हैं तो 15 ounces आपके लिए इनफ हैं 120 मिलीग्राम्स विटामिन हासिल करने के लिए। और बिल्कुल है, क्योंकि एक ounce में 8 मिलीग्राम्स हैं, तो 15 ounces में 8 मल्टीप्लाई बाय 15 120 ounces होंगे। लेकिन ज़रूरी है कि फूड 1 ही सिर्फ लिया जाएगा? नहीं, हो सकता है सिर्फ फूड 2 कंसीडर किया जाए। तो अगर सिर्फ फूड 2 कंसीडर किया जा रहा है तो फूड 1 एंड फूड 3 0 हो जाएंगे। तो 8
एक्स वन की जगह ज़ीरो, 24 एक्स टू प्लस 16 एक्स थ्री की जगह ज़ीरो इज़ इक्वल टू 120। तो बाकी ज़ीरोस हो जाएंगे और यहाँ पर 24 एक्स टू इज़ इक्वल टू 120। तो एक्स टू इज़ इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 24। जब 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आता है। तो 5 आंसर्स ऑफ फूड 2 आर इनफ अगर आप फूड 1 और 3 नहीं लेना चाहते। इसी तरह फूड 3 की बात करते हैं, अगर फूड 3 ले रहे हैं तो फूड 1 भी 0 हो जाएगा एंड फूड 2 भी 0 हो जाएगा और फूड 3 की क्वांटिटी x3 रहेगी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है इज़ इक्वल टू 120। ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई होंगे, 0 हो जाएंगे, 16x3 इज़ इक्वल टू 120। अब 120 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आउंसेस हमारा आंसर आएगा। तो अगर सिर्फ एक ही टाइप फूड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फूड वन आउट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 आउंसेस आपको लेने पड़ेंगे डेली ताकि आपकी 120 मिलीग्राम्स की विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो। इसी तरह अगर सिर्फ फूड टू लेना चाहते हैं तो 5 आउंसेस लीजिए और सिर्फ फूड थ्री लेना चाहते हैं तो 7.5 आउंसेस आपको लेने पड़ेंगे। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। एमरजेंसी एयरलिफ्ट, द रेड क्रॉस वांट्स टू एयरलिफ्ट सप्लाइज इन टू ए साउथ अमेरिकन कंट्री विच हैज़ एक्सपीरियंसड एन अर्थक्वेक। तो 4 टाइप ऑफ सप्लाइज हैं हमारे पास जिसके लिए ऑलरेडी हमें एक्स जे यहाँ बोल दिया गया है। तो मीन्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर हमारे पास 4 किस्म की सप्लाइज हैं। तो एक कंटेनर एक पर्टिकुलर आइटम का जो है वो 120, 300, 250 और 500 पाउंड्स रिस्पेक्टिवली वेट करता है। मींस जो टाइप वन की सप्लाई है उसके एक कंटेनर का वेट 120 पाउंड्स है। हम यहाँ लिख देते हैं टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर। तो उसकी कैपेसिटी, उसके लिए सबसे पहले हम इनके वेट्स लिखते हैं कि टाइप वन के एक कंटेनर का वेट 120 पाउंड्स है, टाइप टू का 300, थ्री का 250 एंड फोर का 500 पाउंड्स है। फॉर द फोर आइटम्स इफ द एयरप्लेन है टू बी यूज हैज़ अ वेट कैपेसिटी ऑफ 60,000 पाउंड्स। जो एयरप्लेन की टोटल कैपेसिटी है वो 60,000 पाउंड्स है, मीन्स एयरप्लेन 60,000 पाउंड से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता। एंड एक्स जे इक्वल्स द नंबर ऑफ कंटेनर्स, मीन्स अगर आप नंबर ऑफ कंटेनर्स टाइप वन के कहें तो वो एक्स वन कहलाएगा, टाइप टू के लिए एक्स टू, टाइप के लिए एक्स थ्री, टाइप फोर के लिए एक्स फोर। ये नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं और ये एक कंटेनर का वेट है। तो ऐसी इक्वेशन बताइए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 120 इंटू एक्स वन, इससे कंटेनर वन जितने भी होंगे, अगर एक्स वन से मुराद एक कंटेनर आप लेकर जा रहे हैं तो 120 पाउंड्स होगा। अगर आप दो कंटेनर लेकर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कंटेनर एक्स वन यानी कि टू हो जाएगा और 240 पाउंड्स उसका टोटल वेट हो जाएगा। इसी तरह 300 को एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को एक्स थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 500 को एक्स फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये टोटल कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी 60,000 पाउंड्स के। ये आंसर है पार्ट ए का। पार्ट बी में कहा गया इफ़ इट इज़ टू बी डिसाइडेड टू डिवोट दिस प्लेन टू वन सप्लाई आइटम ओनली, दैट मींस हो सकता है सिर्फ आइटम वन लेकर जाएं, हो सकता है सिर्फ आइटम टू लेकर जाएं, सिर्फ आइटम थ्री या सिर्फ आइटम फोर। तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में फूड वन, फूड टू, फूड थ्री एंड फूड थ्री तक हमने किया था, इसी तरह यहाँ से टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर ले जाना पड़ेगा। तो सपोज़ हम सिर्फ टाइप वन लेकर जाना चाहते हैं तो 120 इंटू एक्स वन, बाकी सब ज़ीरोज हो जाएंगे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है 60,000। तो x1 is equal to 60,000 divided by 120। तो x1 is equal to 60,000 को जब 120 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 500 आता है। मीन्स अगर आप सिर्फ टाइप वन कंटेनर ले जाना चाहते हैं तो 500 कंटेनर्स ले जा सकते हैं। इसी तरह टाइप टू की बात करते हैं, टाइप टू में सिर्फ ये रहेगा, बाकी सब ज़ीरोज़ हो जाएंगे तो वो गायब हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 300 एक्स टू इज़ इक्वल टू 60,000 और एक्स टू इज़ इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 300 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 300 इज़ इक्वल टू 200।
तो सिर्फ टाइप टू अगर आप लेकर जा रहे हैं तो 200 कंटेनर्स ले जा सकते हैं। इसी तरह टाइप थ्री की बात करते हैं, टाइप थ्री में ये कोफिशियंट ज़ीरो नहीं होगा, बाकी सब जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, तो वो कोफिशियंट भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे। तो 250x3 इज़ इक्वल टू 60,000। अब 60,000 को 250 से डिवाइड किया जाएगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 250 आंसर आता है हमारे पास। इसी तरह लास्ट टाइप फोर की बात करते हैं, टाइप फोर के लिए 500x4 इज इक्वल टू 60,000 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो x4 इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 500, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 120। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 27 में हमारे पास वही क्वेश्चन 26 को आगे बढ़ाया गया है। कहा गया ईच इन एक्सरसाइज 26 ईच कंटेनर ऑफ सप्लाई आइटम रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्पेस। पहले कैपेसिटी की बात की थी, अब वॉल्यूम की बात की जा रही है। सपोज कंटेनर्स ऑफ फोर आइटम्स रिक्वायर 30, 60, 60 एंड 8 क्यूबिक फीट रिस्पेक्टिवली, इफ़ द वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द प्लेन इज़ 15,000। ये यहाँ टाइपिंग एरर है, ये 15,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 15,000 क्यूबिक फीट अगर उसकी कैपेसिटी है तो हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर हमारे पास चार कंटेनर्स हैं। इनके हम हर एक कंटेनर के वॉल्यूम की बात करते हैं। कंटेनर ए 30 क्यूबिक फीट लेता है, कंटेनर बी का एक कंटेनर 60 क्यूबिक फीट, थ्री का भी 60 क्यूबिक फीट और फोर का 8 क्यूबिक फीट लेता है। इसी तरह नंबर ऑफ कंटेनर्स को हम वही वेरिएबल्स का नाम देंगे जो पहले ही दिया था हमने, x1, x2, x3 एंड x4। तो टोटल कैपेसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास 15,000 क्यूबिक फीट। तो इक्वेशन हमारे पास जो वॉल्यूम की बनकर आएगी, पार्ट ए में वही कहा गया कि एक वॉल्यूम की इक्वेशन बनानी है, तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 30x1 प्लस 60x2 प्लस 60x3 प्लस 8x4। इसकी लॉजिक बिल्कुल वही है जो पिछले सवाल में थी, कि आप एक कंटेनर के वॉल्यूम को नंबर ऑफ कंटेनर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उन जितने भी कंटेनर्स होंगे उनका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसलिए हम 30 को x1 से, 60 को x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पार्ट बी में कहा गया, इफ़ इट इज़ डिसाइडेड टू डिवोट दिस प्लेन टू वन सप्लाई आइटम ओनली, बिल्कुल उसी तरीके से कहा गया है। तो ईच आइटम के लिए कितनी वॉल्यूम कैपेसिटी होगी ये बताइए। तो हम उसके लिए अगर हम टाइप वन की बात करते हैं, सिर्फ टाइप वन ओनली, तो टाइप वन में ये सिर्फ रहेगा, बाकी x2, x3 एंड x4 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हम 30x1 इज़ इक्वल टू 15,000 करके सॉल्व करते हैं। तो x1 इज़ इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 30, तो x1 इज़ इक्वल टू 500। X2 की बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में हमारे पास x1, x3 और x4 ज़ीरो हो जाएंगे, तो सिर्फ 60x2 बचेगा। तो 60x2 इज इक्वल टू 15,000, तो x2 इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 15,000 डिवाइडेड बाय 60 बनता है 250। टाइप थ्री की बात करते हैं, टाइप थ्री में 60x3, क्योंकि बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे, इज इक्वल टू 15,000। तो इसका आंसर भी वही सेम 250 आएगा। और टाइप फोर में 8x4 इज इक्वल टू 15,000, क्योंकि बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 8 आंसर आता है हमारे पास 1875।
अच्छा जी, पार्ट सी की तरफ आते हैं। कहा गया यूजिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स विच कुड बी शिप्ड इफ बोथ वेट एंड वॉल्यूम आर कंसीडर्ड। यानी वेट भी देखा जाएगा, वॉल्यूम भी देखा जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम अगर पीछे जाएं तो यहाँ पर देखें, हम सिर्फ वेट की बात कर रहे हैं। तो अगर वेट के हिसाब से ले जाएं तो ये मैक्सिमम 500 यूनिट ले जा सकते हैं, 200 कंटेनर, 240 कंटेनर एंड 120 कंटेनर। मैं यहाँ पर इसका एक कॉलम बना लेता हूँ। अगर हम वेट को कंसीडर कर रहे हैं तो टाइप 1, 2, 3 एंड 4। टाइप 1 के हमने देखे 500, 200, 240 एंड 120। 500, 200, 240 एंड 120। और अगर हम वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं तो आप टाइप 1 के 500 कंटेनर्स ले जा सकते हैं, टाइप 2 के 250 कंटेनर्स ले जा सकते हैं, टाइप 3 के 250 कंटेनर्स और टाइप 4 के 1875 कंटेनर्स। लेकिन हमें दोनों को एक साथ कंसीडर करना है, तो दोनों को एक साथ कंसीडर करना है तो इसमें तो वॉल्यूम और वेट दोनों के हिसाब से 500 कंटेनर ही ले जा सकते हैं, तो इसमें हम दोनों 500 कंटेनर ले जा सकते हैं। तो टाइप 1 के लिए 500 आंसर होगा। अच्छा, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में वेट के हिसाब से देखा जाए तो 200 ही आ सकते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से 250 कंटेनर्स ही ले जा सकते हैं। लेकिन अगर 250 कंटेनर ले जाएंगे तो उनका वेट पूरा नहीं होगा, तो इसलिए वेट एक कॉन्स्ट्रेन होगा, एक रुकावट बनेगा। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हम 200 कंटेनर ही ले जा सकते हैं। कुछ वॉल्यूम बच जाएगा वो अलग बात है, लेकिन वेट पूरा हो जाएगा, इससे ज़्यादा 1 kg की भी गुंजाइश नहीं होगी। तो हम 200 चूज़ करेंगे कंटेनर टाइप 2 के लिए। कंटेनर टाइप 3 में भी बिल्कुल इसी तरीके से 240 कंटेनर्स ही ले जा सकते हैं, क्योंकि उससे एक ज़्यादा भी कंटेनर ले जाएंगे तो इतनी स्पेस नहीं है। हालांकि वॉल्यूम के हिसाब से जगह है, लेकिन वेट के हिसाब से नहीं होगी। वो जो 60,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी होगी। इसी तरह 4 के लिए हम कहेंगे 120 कंटेनर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्सिस इंटरसेप्ट्स, ये क्या होता है? देखिए जी, जब भी हमारे पास टू वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ 5x + 3y = 15, तो ये एक ऐसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, जिसमें दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। और अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हम इनको ग्राफ भी कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है, और एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास राइट साइड पर इंक्रीज होती हैं, लेफ्ट साइड पर डिक्रीज होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। और इसी तरह y की वैल्यू जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं अप साइड, तो y की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, और डाउन साइड मूव करते हैं तो y की वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा जी, अब इसमें अगर इस लाइन को ग्राफ किया जाए, तो हम जैसे छोटी क्लासेस में अक्सर सीखते आते हैं कि आप x की कुछ वैल्यूज़ इसमें अज्यूम करते जाएं, y की कुछ वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 इसमें मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर x की वैल्यू 2 पर, 3 पर, 4 पर एंड सो ऑन। तो जब स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया जाएगा, सपोज़ मैं फ़िलहाल इसको प्लॉट कर देता हूँ किसी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर से देख के, क्योंकि अब तक हमने इन वीडियोस में ग्राफ बनाना नहीं सीखा है। तो सपोज़ अगर मैं इस तरह एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पॉइंट्स बनाकर इसे ग्राफ करता हूँ, तो एक इस तरह की लाइन बनती है। लेट सपोज, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ 5x + 3y = 15। इस इक्वेशन में वो पॉइंट जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस से पास हो रही है, इस पॉइंट को एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। और वो पॉइंट जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस से पास हो रही है, उस पॉइंट को वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है। अगर आप इस पॉइंट के एक्स इंटरसेप्ट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, तो यहां पर एक्स की वैल्यू 3 है लेकिन वाई 0 है, तो 3, 0 इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स जानना चाहते हैं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद
वो पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस पर लाइन इंटरसेक्ट करे या क्रॉस करे, और वाई इंटरसेप्ट से मुराद वो पॉइंट जहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करे। ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट हो, ऐसी भी लाइंस हो सकती हैं जिनका एक्स इंटरसेप्ट तो हो लेकिन वाई इंटरसेप्ट ना हो, और ऐसी भी हो सकती हैं वाई इंटरसेप्ट हो लेकिन एक्स इंटरसेप्ट ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, सपोज़ हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स इज़ इक्वल टू 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इक्वेशन इसलिए है कि इक्वल का साइन है और 1 डिग्री इसकी है, तो इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जब इसे हम प्लॉट करेंगे तो एक्स की वैल्यू जहाँ पर 5 होगी वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनेगी जो एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ये वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू 5 है क्योंकि इसमें वाई इंक्लूडेड ही नहीं है, तो आप वाई की वैल्यू चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, एक्स की वैल्यू 5 ही रहेगी क्योंकि वाई की वजह से एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें वाई मौजूद ही नहीं है। तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट है जो कि 5 है लेकिन इसमें वाई इंटरसेप्ट मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है, इसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 5, तो इसमें वाई इंटरसेप्ट है लेकिन एक्स इंटरसेप्ट कोई भी मौजूद नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 3 है और वाई 0 है। मींस इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स की वाई की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 5x इज इक्वल टू 15, एक्स इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं अगर आपको x इंटरसेप्ट मालूम करना हो तो y की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करेंगे इक्वेशन में और जो x की वैल्यू होगी वो x इंटरसेप्ट होगी, और इसी तरह अगर आपको y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो x की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करेंगे और उससे जो y की वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1-20 सेक्शन 2.2 है, आइडेंटिफाई दी एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर दी गिवन लीनियर इक्वेशंस। हमें इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है और वाई इंटरसेप्ट, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। सबसे पहले हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट की जाएगी, तो 3x माइनस 4 वाई की जगह 0 सब्सिट्यूट करेंगे इज इक्वल टू 24। 3x इज इक्वल टू 24 क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। तो x इंटरसेप्ट हुआ x वैल्यू 8, y वैल्यू 0। इसी तरह अगर हमें y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम x की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करेंगे हमारी इक्वेशन में, तो 3x की जगह पर 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 24, तो 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 24, माइनस 4y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 6, तो इसका y इंटरसेप्ट हुआ 0 कॉमा माइनस 6, x की वैल्यू 0 है, y माइनस 6 है। तो ये हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया। अब इक्वेशन चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो या ना हो, मेथड यही होगा, x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y 0 सब्सिट्यूट करेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई लेंथी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 14 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 14 में हमारे पास x माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 12 is equal to 2x plus 4y upon 3। अब आपके पास दो तरीके हैं, पहले ये है कि आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, जब सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाए लीनियर फॉर्म में, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तब आप उसमें जो है x की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करके y इंटरसेप्ट और y की वैल्यू 0 पुट करके x इंटरसेप्ट निकालें। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आएगा। तो हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करेंगे, तो x माइनस 0 अपॉन 3 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 0 अपॉन 3, तो ये x अपॉन 3 बचेगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। हम x की वैल्यूज़ को एक तरफ मूव करेंगे तो वो माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा, और माइनस 12 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस 12 हो जाएगा। इनके एलसीएम का आंसर 3 आएगा और न्यूमरेटर सेम x माइनस 2x आ जाएंगे।
3 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा और x माइनस टू एक्स माइनस एक्स, दिस इज 36, तो x इज इक्वल टू माइनस 36, तो हमारे पास x इंटरसेप्ट का आंसर है माइनस 36, 0। बिल्कुल इसी तरीके से हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करके। हम मेरे पास वहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 12 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 प्लस 4y अपॉन 3, तो माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 4y अपॉन 3। माइनस 2y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस 12 इज इक्वल टू 4y अपॉन 3 प्लस 2y अपॉन 3। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 12 इज इक्वल टू एलसीएम का आंसर 3, 4y प्लस 2y, तो माइनस 12 3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 4y प्लस 2y इज 6y, तो माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू y, 6 और 12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 6, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट का आंसर आया 0, -6। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। अब अगर किसी सवाल में कोई वेरिएबल गिवन हो तो वेरिएबल का भी मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके लिए है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू टी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए एक्स वाई की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू टी। ए एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन ए, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, मीन्स टी अपॉन ए कॉमा 0। जब हम वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि सवाल में हमारे पास वेरिएबल्स गिवन हैं तो जवाब में भी वेरिएबल्स ही आएंगे, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू टी, 0 ए 0 प्लस बी वाई इज इक्वल टू टी, बी वाई इज इक्वल टू टी क्योंकि वो 0 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई बी, तो वाई इंटरसेप्ट आया 0, t/b। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट नहीं बल्कि इक्वेशंस के ग्राफ बनाने के लिए भी कहा गया है। तो ग्राफ बनाने के कई तरीकेकार हैं। इस बुक में जो सबसे ईजी तरीका मेंशन है और इन सवालात के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे ईजी है, वो ये है कि आप पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें और उनको प्लॉट करने के बाद उन्हें ज्वाइन कर दें। आइए हम कुछ सवालात इनमें से करते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, वो माइनस 6 आएगा। वो किस तरह से आएगा? आप x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, जब y 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 12, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 12, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 6, तो इससे हमारे पास x इंटरसेप्ट माइनस 6 आ गया। इसी तरीके से जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल माइनस 3y, ये माइनस है, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, तो 0 माइनस 3y माइनस 3y ही होगा इज इक्वल टू माइनस 12, नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल टू 4। तो x इंटरसेप्ट माइनस 6 है और y इंटरसेप्ट हमारे पास 4 है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि x इंटरसेप्ट को प्लॉट करेंगे, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। इसी तरह y इंटरसेप्ट 4 है तो हम y की वैल्यू 4 y एक्सिस पर शो करेंगे। जब आपने ये दो इंटरसेप्ट्स शो कर लिए, अब आप इन्हें एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए, स्केल के ज़रिए पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके इन्हें ज्वाइन करेंगे, आपकी स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो जाएगी। और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इसकी इक्वेशन आप लाजमी मेंशन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 में हमारे पास जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ग्राफ बनेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा लाइंस होंगी, तो इसलिए हर लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन हो तो आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहती है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका x इंटरसेप्ट माइनस 10 आएगा। वो इस तरह से आएगा कि आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो माइनस x माइनस 0 इज इक्वल टू 10, तो माइनस x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 2.5 आएगा। वो इस तरीके से आएगा कि आप x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो माइनस 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 10,
तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2.5। तो जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमारे पास आ चुका है, इन्हें हम शो करेंगे ग्राफ में। x इंटरसेप्ट माइनस 10 है, तो माइनस 10 पर हमने एक डॉट बनाया। y इंटरसेप्ट माइनस 2.5 है, जो कि x एक्सिस से नीचे यहाँ पर शो होगा। इन दोनों को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे और इनकी इक्वेशन लिखेंगे, माइनस x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये हम पहले ही कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, माइनस 4x इज इक्वल टू 24। तो इसे अगर आप गौर करें तो ये x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट है। मीन्स x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय माइनस 4, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये x इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट जो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। माइनस 6 पर आप आइडेंटिफाई करेंगे एक लाइन जो कि एक वर्टिकल लाइन होगी और इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस 6। इसमें कोई y इंटरसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ x इंटरसेप्ट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन 33 में भी हमारे पास y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट है। इसमें 5 माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 17.5 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। तो जब 17.5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3.5 आता है। तो 3.5 y की y एक्सिस पर आप शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड 3.5, 3 और 4 के बीच में 3.5 यहाँ शो करेंगे और इस पर लाइन लगाएंगे y इज इक्वल टू 3.5। तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अच्छा, अब इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट्स तो हमने सीख लिए। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए डिफरेंट नेम्स यूज़ किए जाते हैं। स्लोप भी नाम यूज़ किया जाता है, ग्रेडियंट का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर स्ट्रेट लाइन का सिर्फ हो तो उसके लिए डेरिवेटिव का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेट लाइन दरअसल उसका स्लोप ही होता है। इसी तरह रेट ऑफ चेंज का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी दरअसल स्लोप ही होता है। तो ये डिफरेंट नाम हैं जो कि स्लोप के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मींस के x की एक वैल्यू चेंज करने पर y पर कितना चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 हो चुकी है। तो इसमें x की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने पर, आप देख सकते हैं 0 से 1 हुई, x की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने पर y की दो वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से x की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने पर y की दो वैल्यूज़ फिर से डिक्रीज़ हो रही हैं। तो ये जो चेंज कहलाता है, रेट ऑफ चेंज, इसे हम स्लोप कहते हैं। ईजी वर्डिंग में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त इसका स्लोप है -2। माइनस टू इसलिए कि x की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने से y की टू वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, इसलिए हमने माइनस लगाया। अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन का ग्राफ होता, सपोज़ यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, हमने x की एक वैल्यू इंक्रीज़ की, x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। इसी तरह x की एक और वैल्यू इंक्रीज़ की, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। तो इसमें आप देख सकते हैं, x की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने से y की भी एक वैल्यू ही इंक्रीज़ हो रही है। x की एक वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 0 से 1, y की भी एक वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 3 से 5। तो इसका स्लोप होगा +1। स्लोप को m से शो किया जाता है। तो ये स्लोप यानी रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ गिवन ना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेते हैं, तो इसके लिए हम इसे x1 और y1 का नाम देंगे, इसे x2 और y2 का नाम देंगे। तो x1, y1, x2, y2, ये दो पॉइंट्स हैं, हमें इनके दरमियान स्लोप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जो कि दरअसल वही डेफिनेशन के मुताबिक है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यानी रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 38 से 59 तक, वही सेम एक्सरसाइज है हमारे पास, जिसमें कहा गया है कंप्यूट द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप। तो हम रैंडमली कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन 38 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 38 में हमारे पास है 2.8 एंड -2.-8। तो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2
एंड वाई टू। तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू की वैल्यू हमारे पास माइनस एट है, एक्स और वाई वन की वैल्यू एट है, एक्स टू की वैल्यू हमारे पास माइनस टू और एक्स वन की वैल्यू टू। तो माइनस एट एंड माइनस एट इज़ माइनस सिक्सटीन, माइनस टू एंड माइनस टू इज़ माइनस फोर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फोर आंसर आ जाएगा m का। 16 डिवाइड बाई फोर फोर होता है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो वन है, तो ये चेंज इन x होता है जो कि फॉर्मूले में भी नज़र आ रहा है, और ये चेंज इन y होता है, चेंज इन x, चेंज इन y, और क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चेंज है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी, बाय इंक्रीजिंग वन यूनिट ऑफ एक्स या एट ईच यूनिट ऑफ एक्स वाई विल इंक्रीज बाय फोर यूनिट्स। फोर इसलिए लिखा कि आंसर फोर आ रहा है, इंक्रीज इसलिए लिखा कि पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो हम कहते डिक्रीज बाय फोर यूनिट्स। एक दो और एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, 50 कर लेते हैं, बल्कि 48 करते हैं, उसके बाद 50 पर आते हैं। 48 में हमारे पास है माइनस फोर कॉमा ट्वेंटी एंड माइनस फोर कॉमा थर्टी। तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, स्लोप का फॉर्मूला है y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो y2 की वैल्यू हमारे पास 30 है, y1 की वैल्यू 20 है, डिवाइडेड बाई एक्स टू की वैल्यू माइनस फोर है और x1 की वैल्यू भी माइनस फोर है, और ब्रैकेट हम इसलिए लगाया ताकि वो नेगेटिव फोर है। 30 माइनस ट्वेंटी इज़ 10 और ये माइनस फोर प्लस फोर, तो 30 डिवाइडेड बाय ज़ीरो हो जाएगा, और किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, मींस इसका स्लोप अनडिफाइंड है। तो इसको दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, वर्टिकल लाइन में कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं होता है। इसी तरह इसको आइडेंटिफाई करने का तरीकेकार देखें, दोनों एक्स वैल्यू सेम है। 48 में देखें आप एक्स वैल्यू सेम है, 50 में अगर आप गौर करें वहाँ पर भी दोनों एक्स वैल्यू सेम है। इसी तरह अगर आप और कोई क्वेश्चन जैसे कि और ऐसा कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा मुझे जिसमें एक्स वैल्यू सेम हो, इसी तरह अगर वाई वैल्यूज़ कहीं पर सेम नज़र आ रही हों आपको, तो वाई वैल्यूज़ अगर सेम हो तो वहाँ पर ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा। वो कैसे होगा उसका भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 46 में माइनस फोर कॉमा ट्वेंटी एंड माइनस फोर कॉमा थर्टी, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया, 46 में है, मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन 46 की हम बात कर रहे थे, माइनस टू कॉमा एट एंड थ्री कॉमा एट, यहाँ पर वाई वैल्यू सेम है। तो दिस इज़ एक्स वन वाई वन, दिस इज़ एक्स टू एंड वाई टू। तो स्लोप का फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू की वैल्यू हमारे पास एट है, वाई वन की वैल्यू भी एट है, एक्स टू की वैल्यू हमारे पास थ्री है और एक्स वन की वैल्यू माइनस टू है। 8 माइनस एट ज़ीरो एंड 3 प्लस टू फाइव, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज़ ज़ीरो। इससे मुराद ये है कि इसका स्लोप ज़ीरो है, इसका मतलब x के एक यूनिट में चेंज होने की वजह से y में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, x के एक यूनिट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है या 5 है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसका यूँ कहेंगे, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y।
या दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि चेंज इन एक्स यूनिट चेंज इन वन यूनिट ऑफ एक्स विल रिजल्ट इन चेंज इन ज़ीरो यूनिट ऑफ वाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। और जहाँ कहीं वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हों तो उनमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं हम, दिस इज़ एक्स वन, दिस इज़ वाई वन, दिस इज़ एक्स टू एंड दिस इज़ वाई टू। तो फॉर्मूले के मुताबिक वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू है हमारे पास माइनस ए माइनस बी, माइनस वाई वन है हमारे पास माइनस सी माइनस डी। ब्रैकेट इसलिए पुट किया कि दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उसमें से, और डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू है हमारे पास ए प्लस बी एंड एक्स वन है हमारे पास सी प्लस डी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास, मैं एम लिखना भूल गया था यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस ए माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस सी एंड प्लस डी आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, क्योंकि माइनस दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंट है। तो हम न्यूमरेटर से अगर माइनस वन कॉमन ले लें तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी हो जाएगा और प्लस डी माइनस डी हो जाएगा। और अगर आप ब्रैकेट दोबारा से ओपन कर लें, इससे वेरीफिकेशन हो जाएगी आपकी कि माइनस को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपको वही चीज़ मिल जाएगी। ऐसे लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं, हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो स्लोप का आंसर माइनस वन आ गया है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि इन चेंज इन वन वैल्यू ऑफ एक्स या वन यूनिट ऑफ एक्स विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वन यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, हम लिख देते हैं इसको, इनक्रीज इन वन यूनिट ऑफ एक्स विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वन वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि हमने जिसमें स्लोप अनडिफाइंड हो उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं लिखी थी पहले, तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, वन वैल्यू ऑफ वाई। तो अगर आपका स्लोप अनडिफाइंड आ रहा हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि एक्स डज नॉट चेंज, मीन्स एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसकी इंटरप्रिटेशन होगी एक्स does not change because it is a vertical line, because it is a vertical line। ये उनके लिए था जिनमें हमारे पास स्लोप का आंसर अनडिफाइंड आ रहा था, मींस डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा था, मींस दोनों एक्स वैल्यू सेम थी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 50 थे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, स्लोप क्या होता है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्पेसिफिकली मुराद ये होता है कि इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाए कि स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई किया जा सके। हमने एक फॉर्म पढ़ी थी इसी चैप्टर के बिल्कुल शुरू में, इसी वीडियो के स्टार्ट में, कि ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी, ये एक जनरल फॉर्म होती है। अगर हम इसी को रीअरेंज कर लें, मींस वाई को सब्जेक्ट बना दें, वाई को एक तरफ लिख दें, तो उससे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी। दैट मींस अगर बी वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो माइनस ए एक्स प्लस सी, और y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर बी, तो ये जो फॉर्म कहलाती है इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। आसान अल्फाज में हम माइनस ए ओवर बी के बजाय m लिखते हैं और c ओवर बी के बजाय सिर्फ c लिखते हैं, या काफ़ी किताबों में k भी लिखा जाता है। तो ऐसी फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि x के साथ जो कोफिशेंट लिखा हो वो डायरेक्टली स्लोप होता है, और जो कांस्टेंट नंबर लिखा हो वो y इंटरसेप्ट होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ग्राफिंग भी इजी हो जाती है, आप y इंटरसेप्ट को डायरेक्टली शो कर सकते हैं ग्राफ में सिर्फ इक्वेशन देखकर। सपोज़ हमारी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5, तो 5 हमारा y इंटरसेप्ट है, 3 हमारा स्लोप है। दैट मीन्स x की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने से y की तीन वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, फिर दोबारा से x की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने से y की तीन वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो जब आपके पास ये पॉइंट आ गए तो आप आसानी से इस इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अब वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी जो कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए करना पड़ती थी। तो
इस चैप्टर में हमारे पास दो पार्ट्स में ये चीज़ सॉल्व की गई है. पहले तो कहा गया है कि री राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन डिटर्मिन दी स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट. मीन्स हमें इसे रीअरेंज करना है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में और फिर आइडेंटिफाई करना है कि स्लोप क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है. तो सबसे पहले क्वेश्चन वन से शुरुआत करते हैं ताकि ईजी क्वेश्चन से शुरुआत करके मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाया जाए. तो क्वेश्चन नंबर वन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 15. इसमें y को सब्जेक्ट बनाना है और y पॉजिटिव रहना चाहिए. तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2y. हमने 2y को सिर्फ शिफ्ट किया, 15 को इधर ले आया. बेसिकली हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में ये हम पाकिस्तान में कहते हैं कि इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया. एक्चुअल मैथमेटिक्स इसके पीछे ये होती है कि इक्वेशन की बोथ साइड हमने 15 माइनस किया है और 2y को प्लस किया है. अच्छा, तो अब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये y से 2 हट जाए. तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू y और ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गई. आसान अल्फाज में 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ हमने डिवाइड कर दिया. अब 2 सिर्फ इस दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए हम 3 अपॉन 2x माइनस 15 लिख देते हैं और y को उस तरफ लिखें इस तरफ लिखें एक ही बात होती है. तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ गई. अगर हम इसे कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो देखा जाए तो स्लोप यानी कि m की वैल्यू 3 अपॉन 2 है और c यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस 15 है. इसकी इंटरप्रिटेशन इसने नहीं पूछी है, लेकिन अगर सपोज़ इंटरप्रिटेशन करनी होती तो हम ये कहते हैं कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू माइनस 15 होगी और x की दो वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने पर y की तीन वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि स्लोप का आंसर 3 अपॉन 2 है. नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये x का चेंज बताता है, न्यूमरेटर y का चेंज बताता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x की दो वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने से y की तीन वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी और इनिशियली जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू माइनस 15 होगी. अभी इसी वीडियो में हमारे पास आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड आएंगे. इसी तरह एक और क्वेश्चन हम करते हैं, सपोज़ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये तीनों काफ़ी ईजी लग रहे हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y होल अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5. तो सबसे पहले 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, मीन्स इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज माइनस 20 और उसके बाद आप y को सब्जेक्ट बनाएंगे. 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 5y. अब 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 3 ओवर 5x प्लस 20 ओवर 5 इज इक्वल टू y. तो हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा. तो 3 अपॉन 5x प्लस 4, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है और इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर किया जाए तो m की वैल्यू मींस स्लोप की वैल्यू 3 अपॉन 5 है और y इंटरसेप्ट मींस c की वैल्यू 4 है. आगे बढ़ते हैं बाकी सवालात की जानिब. अब एप्लीकेशंस आ रही हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन की. वुमेन इन लेबर फोर्स, द नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यूरिंग 1990s बट नॉट एज ड्रामेटिकली एज अकर ड्यूरिंग 1970s. सो वन ऑफ द फोरकास्टेड कंसल्टेंट यूजेस the linear equation n is equal to 29.6 plus 1.20 t. तो ये एक equation दी हुई है prediction के लिए कि number of women जो workforce में होंगी वो कितनी होंगी. तो उसके लिए हमें कहा गया कि t जो है वो variables भी बताए हुए हैं इसने. बिटवीन ages 35 to 40 के लिए ये यूज़ किया जा रहा है. इन दिस इक्वेशन n equals number of women कि कितनी ख़वातीन होगी लेबर फोर्स में, इन लेबर फोर्स मेजर्ड इन मिलियंस जो कि मिलियंस में बताएंगी, एंड टी का मतलब है टाइम और जिसमें टी की वैल्यू 0 होगी तो उसका मतलब 1981 होगा. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है. इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ एन इज इक्वल टू 29.6 प्लस 1.20 टी. पार्ट ए में कहा गया इसका ग्राफ बनाइए. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम वाई इंटरसेप्ट अगर गौर करें तो वो 29.6 है
और इसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप 1.2 है, इसका मतलब x की एक वैल्यू बढ़ाने पर y की 1.2 वैल्यूज़ बढ़ेंगी, और पॉजिटिव है तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरह फिलहाल मैंने स्केच बना लिया है, आप इसमें एक्यूरेट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे इसका ग्राफ। अच्छा, जब ये ग्राफ हमने बना लिया, बाकी पार्ट्स के लिए क्योंकि ग्राफ की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम ग्राफ इतना एक्यूरेटली नहीं बना रहे। पार्ट बी में गौर से देखिए, अगर कहा गया है कि आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, इसमें मीन्स एन इंटरसेप्ट, तो इसमें अगर आप गौर करें, एन इज़ इक्वल टू 29.6 प्लस 1.20 टी, इसमें स्लोप की वैल्यू है 1.20 एंड एन इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है 29.6। पार्ट सी में कहा गया, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड एंड इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्स की एक वैल्यू बढ़ाने से वाई की कितनी वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी। इस केस में एक्स की जगह पर टी है यानी टाइम है, और वाई की जगह पर नंबर ऑफ वुमेन इन मिलियंस हैं लेबर फोर्स में। तो इसमें हम नॉर्मली हम ये कहते थे कि एक्स की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने से वाई की 1.20 वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी। अब हम एक्स और वाई के बजाय नंबर ऑफ़ वुमेन इन लेबर फोर्स एंड टाइम पीरियड कहेंगे। तो इसमें हम यूँ कहेंगे कि हम फॉर ईच कमिंग ईयर या एडिशनल ईयर द नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स विल इंक्रीज, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीज लिख रहा हूं, बाय 1.20 मिलियन, क्योंकि मिलियन में था। तो हम यूं कहते हैं कि हर साल वुमेन का जो वर्कफोर्स में लेबर वर्कफोर्स में इजाफा होगा वो 1.2 मिलियन होगा। और ज़्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो आप इसमें ये एज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और सिंस 1981 भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी लिख दिया जाए तो काफ़ी है। उसके बाद कहा गया, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वुमेन इन दिस एज ग्रुप हु विल बी इन द लेबर फोर्स इन 1995, और फिर आगे कहा गया इन ईयर 2000। यानी पार्ट डी में हमें दो बातें कही गई हैं, पहले बताइए कि 1995 में कितनी नंबर ऑफ़ वुमेन होंगी लेबर फोर्स में, और फिर बताइए कि 2000 में कितनी होंगी। तो अगर आप इस पर गौर करें, 1995 के लिए टी की वैल्यू होगी 14। उसकी वजह यह है कि 81 का मतलब है टी इज़ इक्वल टू 0, तो 82 का मतलब हो जाएगा टी इज़ इक्वल टू 1, 83 का मतलब हो जाएगा टी इज़ इक्वल टू 2। तो इसी तरह अगर 1995 को अगर आप 81 से माइनस करें तो आपको मालूम हो जाएगा बीच में कितने ईयर्स का गैप आ रहा है। यानी 82 को 81 से माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, इसलिए टी की वैल्यू भी 1 आ रही है। 83 से 81 को माइनस करेंगे, टी की वैल्यू 2 आ रही है, इसलिए हम इनको माइनस कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ टी की वैल्यू चाहिए तो आप सिंपली 1995 को 1981 से माइनस कर दें। तो फॉर टी आप क्या करेंगे, 1995 माइनस 1982, दैट मीन्स 14। तो अब 14 ईयर्स के बाद कितने होंगे नंबर ऑफ वुमेन, तो n इज़ इक्वल टू 29.6 प्लस 1.20, और टाइम की जगह हम 14 सब्सटीट्यूट करेंगे। 29.6 प्लस 1.2 को जब 14 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज़ इक्वल टू 16.8 में प्लस करेंगे हम 29.6 को, तो हमारे पास आंसर आता है 46.4, यानी 46.4 मिलियन। अच्छा, इसी तरह हमसे ये भी कहा गया कि इन 2000 कितना होगा, तो इन 2000 के लिए आप 2000 से माइनस करेंगे 1981 को, यहाँ भी 81 करना था, मैंने मिस्टेकनली 82 लिखा है, लेकिन आंसर 14 ही आएगा। तो 2000 माइनस 1981 इज़ इक्वल टू 19, तो टी की वैल्यू 19 सब्सटीट्यूट करनी होगी। n इज इक्वल टू 29.6 प्लस 1.20 इंटू 19,
तो 1.2 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 22.8 आएगा, और 22.8 में 29.6 जब ऐड करेंगे तो 52.4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 52.4 मिलियन वुमेन। तो ये क्वेश्चन 25 हमारा सॉल्व हो चुका। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में कहा गया, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर अ समर रिजॉर्ट इज ट्राइंग टू डिटरमिन हाउ मेनी टूरिस्ट विल बी विजिटिंग ईच सीजन ओवर द कमिंग ईयर। तो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह एक इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू 275,000 प्लस 7,500 T। तो T इज इक्वल टू 0 का मतलब है करंट सीजन, T इज इक्वल टू 1 का मतलब नेक्स्ट सीजन, एंड इफ़ P इज़ दी प्लॉटेड अगेंस्ट दी वर्टिकल एक्सिस, उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ का पार्ट हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ इस रफ स्केच में बता देता हूँ कैसे बनेगा। Y इंटरसेप्ट 275 है, तो 275,000 पर आप इसका वाई इंटरसेप्ट शो करेंगे, और क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ से लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगी, और एक यूनिट इंक्रीज़ करने से इसके 7,500 यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। अच्छा, पार्ट बी में कहा गया आइडेंटिफाई दी स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें अगर हम गौर करें, वाई इज़ इक्वल टू एमएक्स प्लस सी होता है, पहले वेरिएबल वाली वैल्यू लिख देता हूँ, 7,500 टी प्लस 275,000, तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर किया गया तो स्लोप की वैल्यू 7,500 आती है, एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू यानी p इंटरसेप्ट इस केस में वो है 275,000। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड p इंटरसेप्ट। तो स्लोप की मीनिंग क्या है, t का मतलब यहाँ पर हम पहले स्लोप की मीनिंग ये कहते थे कि x की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने की वजह से y की कितनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगी। तो इस केस में अगर आप बात करें, हमारे पास t जो है यानी t की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने से p की कितनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी, p से मुराद क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट पर ईयर। तो हम ये कहेंगे ईच ईयर नंबर ऑफ़ टूरिस्ट्स विल इंक्रीज इसलिए लिखा है क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, बाय 7,500। और इसके अलावा पी इंटरसेप्ट बताना है, टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब करंट सीजन है, तो करंट सीजन में, इन करंट सीजन द नंबर ऑफ विजिटर्स आर वाई इंटरसेप्ट यानी कि 275,000। अगले सवाल की तरफ जाते हैं, 28 है हमारे पास, पुलिस डिपार्टमेंट बिलीव्स दैट द नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स विच अकर ईच मंथ कैन बी एस्टिमेटेड बाय द इक्वेशन सी इज इक्वल टू 1200 माइनस 12.5 पी। यहाँ पर सी से मुराद नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स है और पी से मुराद नंबर ऑफ ऑफिसर्स असाइंड है। तो इसमें अगर हम सिर्फ पहले डिस्कशन कर लें, रिक्वायरमेंट की तरफ बाद में जाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और ये बात बिल्कुल समझ में भी आती है कि जैसे ही नंबर ऑफ़ पुलिस ऑफिसर्स इंक्रीज़ करेंगे आप किसी एरिया में, जितने ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स होंगे तो सीरियस क्राइम्स उतने ही कम होंगे। यानी इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनेगी कि एक पुलिस ऑफिसर इंक्रीज़ करने की वजह से 12.5 सीरियस क्राइम्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर डेसिमल में आप आंसर नहीं देना चाहते तो यूँ लिख दीजिए कि दो पुलिस ऑफिसर्स इंक्रीज़ करने की वजह से 12.5 का डबल होता है 25 सीरियस क्राइम्स कम हो जाएंगे। तो खैर, हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई दी स्लोप एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। तो स्लोप हमारे पास था -12.5, और इसकी इंटरप्रिटेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ लिख देते हैं, फॉर इंक्रीज ऑफ ईच पुलिस ऑफिसर नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स विल डिक्रीज बाय
12.5 डिग्रीज इसलिए लिखा क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव था। पार्ट बी में कहा गया आइडेंटिफाई द सी इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। सी इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब पी ज़ीरो हो जाए। पी ज़ीरो हो जाए का मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो अगर किसी एरिया में कोई भी पुलिस ऑफिसर ना हो तो नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स 1200 होंगे। तो इसकी हम मीनिंग यहाँ पर लिख देते हैं। इफ़ देयर आर नो पुलिस ऑफिसर्स या ज़ीरो पुलिस ऑफिसर्स then the number of serious crimes actually will be 1200। अच्छा पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में कहा गया आइडेंटिफाई दी पी इंटरसेप्ट। पी इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पर सी ज़ीरो हो जाएगा। तो सी ज़ीरो हो जाएगा तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सी की वैल्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 1200 माइनस 12.5। अच्छा इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई का भी बोला था, वो हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन लिख दिया। जैसे यहाँ पर पहले लिखा था फिर इंटरप्रिटेशन लिखी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि C इज़ इक्वल टू 1200 और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन लिख दीजिए। अच्छा पार्ट सी में 1200 माइनस 12.5p, 12.5p को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 12.5p इज़ इक्वल टू 1200 और P इज़ इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 12.5। तो 1200 को जब 12.5 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 96 आएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ़ सीरियस क्राइम्स ज़ीरो हो जाएं तो आप 96 पुलिस ऑफिसर्स असाइन कर दीजिए। ठीक है जी, तो इसकी हम यहाँ इंटरप्रिटेशन लिख देते हैं। द नंबर ऑफ serious crimes will be zero if we assign 96 police officers। उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये डेप्रिसिएशन की मिसाल है। द बुक वैल्यू ऑफ अ मशीन इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन वी इज़ इक्वल टू 60,000 माइनस 7,500 टी। तो वी का मतलब यहाँ पर बुक वैल्यू है और टी का मतलब उसकी एज ऑफ द मशीन है। टी की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब 1 साल यूज़ हो चुकी है। टी की वैल्यू 2 होगी इसका मतलब 2 साल यूज़ हो चुकी है एंड सो ऑन। तो पार्ट ए में कहा गया कि आइडेंटिफाई दी टी एंड वी इंटरसेप्ट। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, इंटरप्रेट करने का इसने नहीं कहा पार्ट ए में। तो टी इंटरसेप्ट का मतलब जब वी ज़ीरो होगा। तो यहाँ फाइंड आउट करते हैं टी इंटरसेप्ट। वी की वैल्यू 0 पुट की जाएगी तो 0 इज़ इक्वल टू 60,000 माइनस 7,500 टी। 7,500 टी को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा इज़ इक्वल टू 60,000। टी इज़ इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 7,500। तो 60,000 को जब हम 7,500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आते हैं 8। इसको हम यूँ कह सकते हैं जब टी की वैल्यू 8 होगी तो वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम पहले एक्स लिखते हैं हमेशा, यानी एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद वी इंटरसेप्ट पूछा गया। फिलहाल हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे। अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछी तो हम लास्ट में इसकी इंटरप्रिटेशन लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो वी इंटरसेप्ट की बात करते हैं। वी इंटरसेप्ट के लिए टी की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो वी इज़ इक्वल टू 60,000 माइनस 7,500 टी। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में जो कांस्टेंट हो वो वाई इंटरसेप्ट ही होता है। तो यहाँ पर 0,60,000 आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा जी, अब उसके बाद उसने कहा इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्ट्स। टी इंटरसेप्ट क्या शो करता है? टी इंटरसेप्ट ये शो करता है कि जब टाइम 8 होगा मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी आसान अल्फाज में द लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 8 ईयर्स। The life of the machine is 8 years, क्योंकि 8 साल बाद मशीन की वैल्यू यानी V 0 हो जाएगी।
अच्छा, उसके अलावा अगर हम इंटरप्रिटेशन करें वी इंटरसेप्ट की, वी इंटरसेप्ट का मतलब जब टाइम ज़ीरो है, तो टाइम ज़ीरो है तो इससे मुराद हमने मशीन को यूज़ ही नहीं किया है, तो इसकी जो वैल्यू है दरअसल वो उसकी प्राइस है। तो हम यहाँ कहेंगे द प्राइस ऑफ द मशीन, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 60,000। अच्छा जी, उसके बाद कहा इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। इसका स्लोप अगर आप देखें तो वो है -7,500। तो इसकी इंटरप्रिटेशन अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो इसका मतलब टी की एक वैल्यू बढ़ाने से वी की 7,500 वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसे हम यूँ कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर या ईच ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन विल डिक्रीज, ईच ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन विल डिक्रीज बाय 7,500। यानी इसको पर ईयर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो सुन रहे हैं मुझे, वो अकाउंटिंग अगर पढ़ चुके हैं तो उसमें देखते होंगे एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि उसकी इक्वेशन बाकायदा इस तरह बनती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है ये। हर साल 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, पार्ट डी में कहा गया इसका स्केच बनाइए। स्केच बनाने का कहा है, एक्यूरेट ग्राफ बनाने का नहीं कहा। तो हम यहाँ बना लेते हैं, 0, 1, 2 से लेकर 8 तक जाएंगे, क्योंकि x इंटरसेप्ट हमारा 8 है और y इंटरसेप्ट हमारा 60,000 है। तो हमने इस वीडियो के शुरू में ही सीखा था ग्राफ प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बना दें और उन्हें ज्वाइन कर लें। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, मुझसे कर्व बन चुका है गलती से। राइट जी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, प्रोडक्ट मिक्स। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, वीकली लेबर अवेलेबिलिटी इक्वल्स 150 लेबर आवर्स, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वन रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टू रिक्वायर्स 4.5 लेबर आवर्स। जो कि हम पहले इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनाते थे, इक्वेशंस जो इन्होंने पहले से बना के दी हुई है, ना दी होती तो भी हम इसी इन्फॉर्मेशन से इसी तरह इक्वेशन बनाते। इफ़ मैनेजमेंट विशेज टू यूज़ ऑल लेबर आवर्स द इक्वेशन इज हेयर, तो इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट वेयर एक्स इक्वल्स द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट वन एंड वाई इक्वल्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू। मीन्स एक्स जो है प्रोडक्ट वन के यूनिट्स शो करता है, वाई प्रोडक्ट टू के यूनिट्स शो करता है। री राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट एंड सॉल्व दिस फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। मीन्स इसने तीन चीज़ें पूछी हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालिए, वाई इंटरसेप्ट निकालिए, स्लोप निकालिए, तीनों की इंटरप्रिटेशन कीजिए और इसके साथ साथ आपने इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रीअरेंज करना है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए पहले इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4.5y इज इक्वल टू 150। वाई को सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो 4.5y इज इक्वल टू -3x प्लस 150। तो वाई इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4.5 को सबसे डिवाइड करेंगे तो ये जाहिर है पहली नंबर से भी, पहली टर्म से भी डिवाइड होगा और दूसरी टर्म से भी डिवाइड होगा विच इज 4.5। तो -3 को जब 4.5 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आता है, फ्रैक्शन में हम लिख देते हैं 2/3, वाई इज इक्वल टू -2/3x प्लस 150 को जब 4.5 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास 100/3 आंसर आएगा। 100/3 भी लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, 33.333। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। अब एक्स इंटरसेप्ट भी चाहिए होगा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट तो हमें पता लग गया x/3 है, स्लोप भी पता लग चुका है -2/3 है। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू 0 रखी जाती है तो यहाँ वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3x प्लस 4.5 वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 150। तो 3x इज इक्वल टू 150, x is equal to 150 divided by 3, तो x is equal to 50। अब इनकी इंटरप्रिटेशन देखनी हमें। सबसे पहले x इंटरसेप्ट की बात करते हैं, x इंटरसेप्ट है 50, y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, y इंटरसेप्ट है 100/3
या फिर 33.33, और स्लोप है हमारे पास -2/3। अब इसकी इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है जब वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि अगर आप सारे लेबर आवर्स, क्योंकि लेबर आवर्स की बात हो रही थी, सारे लेबर आवर्स प्रोडक्ट ए पर लगा दें और प्रोडक्ट बी ना बनाएं, तो 50 यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। यानी 50 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ लेबर इज अप्लाइड या एम्प्लॉयड ओनली ऑन प्रोडक्ट वन। वाई इंटरसेप्ट की भी बिल्कुल यही इंटरप्रिटेशन होगी, 33.33 है तो हम कहेंगे कि 33.33 यूनिट्स कैन बी मेड। 33.33 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 33, तो 33 यूनिट्स ऑफ कैन यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ लेबर इज एम्प्लॉयड ओनली ऑन प्रोडक्ट टू। अच्छा जी, स्लोप क्या शो करता है? स्लोप ये शो करता है कि एक्स की एक वैल्यू इंक्रीज़ करने से वाई की कितनी वैल्यूज़ इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एक्स के यानी कि प्रोडक्ट वन के 3 यूनिट्स बनाने के लिए प्रोडक्ट 2 के 2 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यानी एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो इकोनॉमिक्स में कही जाती है। तो फॉर प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2, क्योंकि प्रोडक्ट 2 वाई है, वाई की जो एक्स शो करता है वो एक्स जो है वो प्रोडक्ट 1 है, सॉरी तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो फॉर प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1, 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2 वुड बी फॉरगॉन, यानी छोड़ दिए जाएंगे, राइट जी। तो या हम यूँ कह सकते हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2 इज 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1। सॉरी उल्टा बोल गया, एक्स और वाई को मैं मिक्स कर गया यहाँ पर। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स मीन्स प्रोडक्ट 1 इज 2 यूनिट्स ऑफ वाई मीन्स प्रोडक्ट 2। एक आखिरी सवाल हम करते हैं हमारी इस वीडियो का, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। पोर्टफोलियो मैनेजर इज कंसीडर्ड दैट 2 स्टॉक्स जनरेट एन एनुअल इनकम ऑफ 15,000 फॉर अ क्लाइंट। सो द 2 स्टॉक्स अर्न एनुअल डिविडेंड्स 2.5 and 3.5 पर शेयर रिस्पेक्टिवली, और उसकी इक्वेशन भी हमें उसने बनाकर दी हुई है। तो स्टेट द टोटल एनुअल डिविडेंड इनकम फ्रॉम द 2 स्टॉक्स, नहीं ये भी बता रहे हैं कि टोटल एनुअल डिविडेंड 15,000 होनी चाहिए, वो पहले भी आया हुआ है, स्टेट्स किया हुआ है। री राइट दिस इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड सॉल्व फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। मीन्स आपको वही जो पिछले सवाल में काम किया था सब वही करना है। तो मैं डायरेक्टली इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। 2.4x प्लस 3.5y इज़ इक्वल टू 15,000। तो x इंटरसेप्ट पहले इसको y इक्वल टू mx प्लस c में हम रीअरेंज करते हैं। तो 3.5y इज़ इक्वल टू माइनस का 2.4x, क्योंकि 2.4x दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, 15,000 प्लस ही रहेगा क्योंकि वो राइट पर ही है। तो y इज इक्वल टू माइनस 2.4x डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 3.5। तो y इज इक्वल टू 2.4 को जब 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 24/35। हमारे पास इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हो सकती, 24/35x प्लस 15,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 3.5 से तो हमारे पास 4285 पॉइंट, डेसिमल में लिख देते हैं 4285.714 आ रहा है, 71 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास स्लोप आ चुका है, वाई इंटरसेप्ट आ चुका है। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई की वैल्यू ज़ीरो लिखेंगे। तो यहाँ स्लोप लिख देता हूँ, m इज़ इक्वल टू माइनस 24/35।
वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी हमारे पास है 4285.71, और एक्स इंटरसेप्ट यहाँ फाइंड आउट करते हैं हम। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू ज़ीरो रखी जाएगी, तो 2.4x प्लस 3.5y इज़ इक्वल टू 15,000। तो y की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो 2.4x इज़ इक्वल टू 15,000। तो 15,000 को जब 2.4 से डिवाइड करेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 2.4 इज़ इक्वल टू 6,250। अच्छा जी, इसकी इंटरप्रिटेशन हम डिस्कस करते हैं। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर सारे के सारे फंड्स हम इन्वेस्टमेंट वाई पर यानी स्टॉक टू पर शेयर इन्वेस्टमेंट कर दें तो फिर आपको इतनी जो है वो डिविडेंड मिलेगा। इसको दोबारा से एक बार सवाल पढ़ते हैं। टू स्टॉक अर्न एनुअल डिविडेंड ऑफ 2.4 एंड 3.5 पर शेयर। ये डिविडेंड पर शेयर है और x का मतलब है नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि अगर आपको 15,000 इन टोटल इनकम अर्न करनी है और आप सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट वन पर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट टू पर, स्टॉक टू पर करना चाहते हैं क्योंकि y है, y इंटरसेप्ट है, x की वैल्यू ज़ीरो है, मीन्स स्टॉक वन नहीं रखना चाहते, तो फिर आपको इतने शेयर्स ख़रीदने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं y इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन। टू अर्न 15,000 रिटर्न, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वाई को हमने नाम दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक टू, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक टू शुड बी 4285 कह देते हैं हम इसे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो ये वाई इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन थी। एक्स इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होगी कि अगर आप 15,000 की रिटर्न चाहते हैं तो फिर आपको स्टॉक वन के 6,250 शेयर्स लेने पड़ेंगे, 6,250 शेयर्स ऑफ स्टॉक वन फॉर 15,000 रिटर्न। और स्लोप की वही इंटरप्रिटेशन है जो हमने पीछे पढ़ी थी कि एक्स की एक वैल्यू बढ़ाने से वाई की कितनी वैल्यूज़ बढ़ेंगी या कम होंगी। तो एक्स का मतलब यहाँ पर स्टॉक वन है, वाई का मतलब स्टॉक टू है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 35 शेयर्स ख़रीदना चाहेंगे स्टॉक वन के, मींस एक्स के, तो आपको 15,000 का रिटर्न कमाने के लिए 24 शेयर्स ऑफ वाई मींस स्टॉक टू कम करने पड़ेंगे, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए हम कम कर रहे हैं। यानी आसान अल्फाज में जो हमने पढ़ा था, एक्स की 35 वैल्यूज़ बढ़ाएंगे तो वाई की 24 वैल्यूज़ कम होंगी। तो एक्स का मतलब नंबर ऑफ़ शेयर्स स्टॉक वन के हैं, वाई का मतलब नंबर ऑफ़ शेयर्स स्टॉक टू के हैं। तो इस तरह से हमने यही इंटरप्रिटेशन की है कि अगर 35 आप शेयर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं स्टॉक वन के, तो फिर 24 शेयर्स डिक्रीज़ करने पड़ेंगे स्टॉक टू के, और अगर 35 शेयर्स डिक्रीज़ कर रहे हैं स्टॉक वन के, तो फिर 25 शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे स्टॉक टू के। यानी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फॉर 35 स्टॉक वन शेयर्स यू हैव टू, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 24 शेयर्स ऑफ स्टॉक टू। तो इसी के साथ ही हमारा सेक्शन 2.3 तक की ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।